नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉक। आज कुशेश्वर स्थान और तारापुर में हुए उपचुनाव के वोटों की काउंटिंग हो रही है। ऐसे में सबकी निगाहें नतीजों पर टिकी हुई हैं। लगातार जो रुझान आ रहे हैं उस पर सभी पार्टियां नजर बनाए रखी हैं। लेकिन ऐसे में राजद खेमे से एक हलचल की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि RJD ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है, जिसमें उसने बिहार सरकार पर आरोप लगाया है कि जानबूझकर सरकार वोटों की काउंटिंग को धीमा करवाने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से ये काउंटिंग जो है वो देर रात तक चले और उसकी वजह से काउंटिंग में धांधली हो सके। इस ट्वीट में RJD ने लिखा है, तारापुर में जानबूझकर मतगणना को 2020 के आम चुनाव की भांति धीमा कर दिया गया है। बिहार सरकार की इस देर रात तक खींचने की योजना है। सभी राजद समर्थक, कार्यकर्ता, नेता सावधान हो जाए। तो ये आरोप लगाया है RJD ने बिहार सरकार पर कि वो जानबूझकर मतगणना को धीमा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले साल जब विधानसभा के आम चुनाव हुए थे, उस दौरान भी RJD ने आरोप लगाया था कि वोटों की काउंटिंग में धांधली की गई है। दरअसल RJD ज़्यादा मत लाने वाली थी, लेकिन धांधली की वजह से NDA की सरकार बन गई। और एक बार फिर से अब जब उपचुनाव हुए हैं तो RJD लगातार ऐसे आरोप लगा रही है कि काउंटिंग में धांधली की जा रही है। इसे लेकर के कल आधी रात को राजद के सांसद हैं मनोज झा, उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को एक पत्र भी लिखा था। दरअसल उन्होंने आरोप लगाया कि कुशेश्वर स्थान से जिसे निर्वाचन पदाधिकारी चुना गया है, उस SDO पर पहले ही पक्षपात के आरोप लग चुके हैं। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान उस SDO का एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था, जिसमें वो राजद के समर्थकों को धमका रहा था और कह रहा था कि वो राजद का समर्थन करने वाली गतिविधियों में शामिल ना हो, जिसे लेकर के कई सवाल उठे थे। और उसे लेकर के अब मनोज झा ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र भी लिख दिया था। साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इसे लेकर के ट्वीट किया था और कहा था कि नीतीश कुमार ने सभी हदें पार कर दी और इस बार वो धांधली करके चुनाव में जीतना चाहते हैं। और इसे लेकर एक बार फिर से राजद ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि इस काउंटिंग को धीरे करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर में 30 अक्टूबर को उपचुनाव हुए थे, जिसकी गिनती आज हो रही है वोटों की। और लगातार जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें आपको हम बता दें कि कुशेश्वर स्थान से JDU आगे चल रही है, वहीं तारापुर से RJD बढ़त बनाए हुए हैं। ऐसे में नतीजे अभी तक साफ नहीं हुए हैं, शाम तक नतीजे आ सकते हैं। लेकिन इस बीच अब RJD ने बिहार सरकार पर ही आरोप लगा दिया कि सरकार जानबूझ के वोटों की गिनती को धीमा करना चाहती है ताकि इससे धांधली हो सके। और इसे लेकर के उन्होंने RJD के सभी समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ साथ नेताओं को भी सतर्क रहने को कह दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके की और भी कई खबरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। अगर आप उन खबरों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद।